महाराज जी, जिस तरह से हम देखते हैं, जब एक कथावाचक जब व्यासपीठ पर जाते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि व्यासपीठ से लोगों को धर्म के लिए जागरूक करना। लेकिन आज के डेट में हम जो देख रहे हैं ना, जो व्यासपीठ की मर्यादा है, लोग उसको भूलकर कुछ कथावाचक ऐसे हैं जो वहां से ना प्रचार प्रसार धर्म का ना करते हुए लोगों का करते हैं, जी बिल्कुल। या पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, किसी और चीज का, तो ये कितना सही है महाराज जी? नहीं, जैसे मानो हम कथा में महापुरुषों का ही व्याख्यान करते हैं कथाकार। जी पहले जो कोई महापुरुष अच्छे पुरुष हो गए, अच्छी नारियां हो गई हैं, या कोई दुर्जन पुरुष स्त्रियां हो गई हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विचारधारा का नाम कथा है। जी दोनों प्रकार के रोल है उसमें कथा जी में। जी अगर कृष्ण है तो कंस है, बिल्कुल, राम है तो रावण है। जी तो ये दोनों का पक्ष रखना है। अच्छा, हाँ, दोनों का पक्ष रखते हैं। ऐसी स्थिति में समाज के कोई प्रबुद्ध सामान्य लोग आ जाते हैं जी, तो उनकी स्तुति करना भी धर्म ही है। अच्छा, व्यासपीठ से, क्योंकि ईश्वर ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। जी इसीलिए वो मंत्री जी बने हैं। जी इसीलिए वो इतने बड़े राज्य पे या देश पे शासन कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। वैसे उनका कोई अधिकार नहीं था पहले, हाँ जी, इतने लोगों ने चुन के दिया उनको, तो इससे ये समझ में आता है कि ईश्वर का उनके ऊपर हाथ है। अच्छा, ईश्वर ने जब हाथ पकड़ा है तो हमको चाहिए कि हमें उनकी सपोर्ट करना या स्तुति करना, ये हमारा कर्तव्य बनता जी, है जी। क्योंकि परमात्मा ने जिसको पकड़ा है उसकी आलोचना करके और न सम्मान करके भी हम क्या कर लेंगे उसका? बिल्कुल, हम कुछ नहीं कर सकते जी, क्योंकि जिसका रखवाला परमात्मा है उसका मारने वाला दुनिया में कोई नहीं, बिगाड़ने वाला नहीं है। तो उसमें बुद्धिमता यही है कि समाज के प्रबुद्ध और सम्माननीय कोई लोग हैं, परिचय जिनका है, अगर उनका आगमन कथा में होता है जी, या वो कथा में जुड़े हुए हैं, तो उनकी स्तुति दो शब्दों से उनका सम्मान जरूर हमें अच्छा करना चाहिए। तो ये एक हो गया, पर ये नहीं है कि हम पूरी कथा को महिमा मंडित करके उनके ऊपर ही गाते रहे, वही वही चीज, और हर जगह पे उनका ही नाम लेते रहे कथा में बार बार, तो ये एक तरह की चापलूसी हो गई है, चाटुकारिता है, ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। जहां आवश्यकता है, कोई महापुरुष ऐसे ही समाज में जिनका नाम है दान में, बहुत मंदिर बनाए, बहुत स्कूल बनाए, तो उनका बार बार नाम लो। राजा बलि की कथा चल रही हो तो उनका भी नाम लो, अगर वो सामने दिख रहे हैं तो। जी, नहीं भी दिख रहे हैं, राजा बलि भी कहाँ दिख रहा है, इतिहास ही तो गा रहे हैं अपन। नहीं दिख रहे हैं जो लोग, तो भी कोई अच्छे लोग हैं, उनकी बात पीछे से कह देनी चाहिए। अच्छा, हाँ, पीछे से उनका उदाहरण दे देना चाहिए, भाई देखो राजा बलि ऐसे थे, ऐसे हमारे गाँव में भी एक प्रधान जी है या एक वो दादाजी है, देखो वो हर महीने खून देते हैं, दान करते हैं, या वो अपने ये प्लॉट दे दिया उन्होंने उस गरीब को, बेटी की शादी कर दी, तो उस समय अगर उसका हम प्रमाण देते हैं तो उस आदमी की महिमा भी होती है और साथ में सीख मिलती है दूसरे लोगों को कि आज अगर हम भी ये करते होते तो आज व्यासपीठ से शायद हमारा नाम भी बिल्कुल लिया जा सकता था। जी, जी तो जी, उससे एक प्रेरणा भी मिलती है और उनको सम्मान मिलना चाहिए। पर लगातार कंटिन्यू उन्हीं की कथा गाते रहे तो फिर कथा पीछे रह जाए, वो भी उचित नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र की उचित और अनुचित की हमने बात की, अभी रामायण का भी हमने जिक्र किया, राम और रावण का भी आपने जिक्र किया। एक विचारधारा अभी चली आ रही है लोगों की, बड़ा बोल रहे हैं लोग कि रावण तो बहुत अच्छा था, प्रत्येक भाई को रावण जैसा होना चाहिए, उसने अपनी बहन के बदले के लिए सीता जी का अपहरण किया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो कुछ और ही वर्णन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दरअसल में हम इतिहास को कभी भी एक जैसा नहीं देख सकते जी, इतिहासकार जो होते हैं वो अलग अलग परिस्थिति में इतिहास लिखते हैं और उन्हीं चीजों के बारे में उन सबको अलग अलग पता रहता है जी। इसीलिए रामायण इतनी है, मान लीजिए, हाँ, जैसे गीता बहुत सारी हो गई, अलग अलग गीता है, नाम अलग अलग हैं, अष्टावक्र गीता, नरसिंह गीता, प्रहलाद गीता, तो अब गीता नाम आ गया तो लोगों को भ्रम भी होता है क्योंकि उन गीताओं में कथा टाइप की है बातें जी, और ये जो गीता है ये मार्मिक गीता है, सिद्धांत और संविधान से जुड़ी हुई गीता है जी, जी, तो ये अलग हो गया। तो ऐसे बहुत सारी रामायण जो हैं, लगभग लोग 22 से 23 रामायणों का आंकलन करते हैं जी, जो पहचानी जाती है समाज में, तो उसमें सबने अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बातें रखी है। अच्छा, हाँ, तो किसी ने कोई इतिहास छूट गया उसने वो इतिहास रख दिया जी, तुलसीदास से कोई चीज छूट गई है वो दूसरी रामायण में रख दी किसी ने बड़ा चढ़ा के, जब हम उसे पढ़ते हैं तो तुलसीदास की रामायण में कुछ पढ़ते हैं तो भ्रम पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है तो सच क्या झूठ क्या वो समझ में आता बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा है, तो एक महापुरुष के बारे में और एक ही प्रकार के नाम की जो किताब कई होती है तो वो भ्रमिक प्रचार अधिक करती है। अच्छा, और संसाधन और समाधान कम करती हैं जी। एक ही महापुरुष के बारे में एक नाम की एक पुस्तक अगर हुई जी, तो उससे अधिक लाभ होता है। अच्छा, अधिक लाभ होता है जी। हाँ,
और अनेक पुस्तक हो, नाम एक ही हो जी, और बातें अंदर भी बहुत सारी चेंजेस हो जी, जी, तो उससे भ्रामिक प्रचार बहुत ज्यादा होता जी, है और कई नई चीजों की खोज भी होती है, पर खोज करने के बाद में भी सत असत का जो भ्रम है वो बना ही रहता है जी।